I like it. Go for it. Great, fabulous, awesome. That's Barkha, it. Come here. Look at this, na. Isn't it just wonderful? Mama, I really like it. आपको कैसा लगा ये? हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है. I think we'll go with this one, yeah? Barkha, 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 Barkha. मंडप के डिजाइन्स भी रेडी हो गए. मुझे उन्हें भेजना भी तो है. Please hurry up, Rosie. Yes, I will see. See you soon. पता नहीं किस बात का इंतजार हो रहा है. बेबी, वो कहावत सुनी है तुमने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? What's wrong with you, नानी? आप ये क्या ओल्ड फैशन हिंदी कहावत बोल रहे हो? क्योंकि ये इस वक्त तुम्हारी मामी पे एकदम फिट बैठता है. मतलब? मतलब क्या पत्ता फेंका है तुमने? बहू भी गायब और बेटा भी अपने हाथ में. मॉम, प्लीज, ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रही हैं. इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी. मैंने निखिल से वादा किया है, चाहे उसी की खुशी के लिए सही, ये मैं वादा निभाने की कोशिश जरूर करूंगी. बेबी, खुश तो आज वो लड़की हुई होगी. इतने सारे गिफ्ट्स तो कभी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे. ताई जी, लाजो आप लोग के गिफ्ट्स नहीं लेकर गई है. आपकी दी हुई ज्वेलरी, साड़ीज, चेक्स सब यहीं छोड़ के गई है वो. बस पापा की किताबें लेकर गई है वो. जब कौनो खाने वाला नहीं है तो काहे इतना खाना बना ली कि फेंकना पड़े. उतना ही बनाना चाहिए ना जितना लोग हैं. का करे जीजी, ये सोच के नहीं ना बनाते कि फेंकना पड़ेगा. कितना इंतजार किए दामाद बाबू जी और लाजो का. सोचे तो मौन से खाएंगे पिएंगे. अच्छा सुनो, जो बच गया ना फेंकना नहीं, वो पास पड़ोस वालों को बंटवा दो और दाल रख दो. हम इसका पराठा बनाएंगे. लाखी और धानी को बहुत पसंद है हमारा बनाया पराठा. ठीक है दीदी. अच्छा सुनो, हाँ, अदनी डब्बा लेती आओ आज. अरे बाकी लड्डू भी रख दे, बहुत अच्छा बनाई हो. आपको पसंद ना है? बेसन का है ना, हमको बहुत पसंद है बेसन का लड्डू. लाजो के बक्सा में भी ना बना के रख दिए थे चुपके से. से आराम से सीना पे चढ़ेगी. वो गाड़ी आ रही है. कौन गाड़ी रे? जिसके अंदर जीजा जी और दीदी है ना. चाचा जी है? फिर से देखे हो? कोई और नहीं ना है? हाँ, हमने अपने आंखे से देखा है. दीदी बैठी थी? हाँ. आइयो दादा, हमरी दीदी आ गई. हमरी दीदी आ गई. हम तो कुछ तैयारी नहीं की है, क्या करेंगे ये दादा? अरे सुन सुन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा. ऐसा करो, तुम जाके ना जल्दी से कपड़ा लत्ता ठीक करो, ठीक है? हम यहाँ देख लेते हैं. अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? जाके पूजा की ताली तैयार करो. हम पगला जा रहे हैं. जब लड़की का नाम सुनती तू यहाँ का करी, यहाँ झाड़ू लगा, चल साफ कर जल्दी जल्दी. अरे भौजी जल्दी कर, वो लोग आ गए हैं. हाँ चीची, बस आ रहे, दो मिनट. कैसी हो? ठीक है, तुम कैसी हो? और तुम्हें हमारी याद आई थी? हमें तुम्हारी बहुत ही याद आई थी. दीदिया नहीं, हमको तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं है. पगले, याद तो भूखा करेंगे ना जिसको भूल जाएंगे. हम तो तुमको भूले ही नहीं. अरे लाजो, बाबूजी,
बिटिया कैसी है तू? अरे पूरा घर बिटिया सूना हो गया था तुम्हारे बिना। सब लोग तुमको कितना याद कर रहे थे। अरे यहाँ क्या खड़े, चले चलो आओ आओ आ बिटिया आ जा। अरे दामाद जी, अरे दामाद जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। और वहाँ शहर में दिल्ली में सब लोग कैसे हैं घर में? सब ठीक है काका। बहुत अच्छा किया आप जो लाजो को लेके यहाँ आ गए। अरे लाजो की माई तो दो दिन से रास्ता देख रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे। चलो धानी लाखी दीदिया को अंदर लेके जाओ, जिया जी को लेके जाओ, हम सामान लेके आते हैं। काका मैं लेता हूँ आप प्लीज। अरे कितना टाइम लगा तू, जाओ हो गया। लाजो कैसे हो तुम, सब ठीक है ना? अरे का कर रहे, रुकिए ना तुलकी। अच्छा ससुराल में पहला दिन है ना भगवा जी, ऐसे कदम नहीं रखा जाता है, रीति रसम भी तो करना है ना। कॉलेज से इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग पग फेरा के लिए आएंगे। सड़की पे नजर थी खाली, जब भी कोनो गाड़ी उड़ी आती थी ना दौड़ के आते थे कि आप लोग होंगे। अभी ये कह रहे थे इनसे। कोई बात नहीं, आ तो गए ना आप लोग, तो निजला ना आरती करे जीजा जी का। माई ये आरती तो बाद में भी हो सकता है, सहरी बाबू ना आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं। वो का बोल देने दीजिए। हाँ दामाद जी बोलिए ना क्या कहना है? कौनो कौनो चिंता परेशानी वाला बात है का? लाजू से या हम लोगों से कौनो अगर गलती हो गई हो तो हम? नहीं नहीं काका ऐसी कोई बात नहीं है। देखा ना कोनो बात नहीं है, यो ना पगलेटे है कुछ बात को बढ़ा देती है। देखे ना थकान से चेहरा उतर गया है एकदम। चलिए भीतर लेके चलिए, आप लोग ना बाद में आइए, हम मिलवाएंगे बबुआ जी से। हाँ हाँ भैया आइए दामाद जी आइए। धानी ले आ जा जा। जीजा जी इस बार हमें भी शहर लेके चलोगे ना? हमें शहर देखने का बहुत ही शौक है। ए लाखी बबुआ का हाथ छोड़ो, थक गए होंगे। अरे बबुआ जी मना कर दीजिए, बड़ी शैतान लड़की है ये। पिछला जन्म में कोनो बहुत अच्छा कर्म किए थे ना, जो आप दामाद मिले हमको, हम अपना करेजा भी निकाल के रखेंगे ना आपके कदम में, तब वो एहसान नहीं चुका पाएंगे हम। हमरी लाजो की जिंदगी बचाई है। ई का भौजी तुम फिर रोने धोने लगी? आइए ना दामाद बाबूआ जी, आइए भीतर आ जाइए। चलो चलो अरे काकी तनिक देखिए तो, चार ही दिन में कितना कमाल हो गया। हमरे जीजा जी हमरी लाजो को एक को पल के लिए छोड़ने को राजी नहीं है। चल पागल ले अभी तक। पापा उसने ना कोई सवाल किया ना अपना हक मांगा, चुपचाप चली गई वो वापस। स्वाभिमानी है वो लड़की, वो शायद इसीलिए बाकी सबसे अलग भी, शायद इसीलिए उसके जाने के बाद तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो। पर पापा आपको नहीं लगता उसके साथ गलत हुआ है? अब मेरा मतलब है निखिल भैया ने उससे शादी की और अगर अब उसे छोड़ देंगे तो उसका होगा क्या? डोंट टेल मी तू अभी भी उसी लड़की को याद कर रही है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप याद कर सके। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरी शादी में और कुछ ही दिन बचे हैं,
निखिल ने इनफ ड्रामा किया है जिससे सब कुछ स्पॉइल हो सके एंड नाउ यू डोंट डेयर टू डू दैट। वो इस घर से जा चुकी है सो प्लीज उसे भूल जाओ। द चैप्टर इज क्लोज्ड गुंजा। आई एम सॉरी आयशा दी, पर किताबों में और इंसानों में बहुत फर्क होता है। आप एक इंसान को किताब के पन्ने की तरह फाड़ के बाहर नहीं फेंक सकते। फिलोसफी एंड ऑल। बुआ आई नो मेरे इस फैसले से बाबा की सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट पहुंचेगी। बहुत दुख होगा उन्हें। उन्हें दिया हुआ प्रॉमिस मैं नहीं रख पाया। निखिल हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम ईशाना को पसंद करते हो, लेकिन शादी ब्याह के मामले में ना इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अरे तनिक एक बार सोच तो लिया होता ना कि तुम कहाँ करने जा रहे हो। अब घर के दरवाजे से बारात का वापस चले जाना हो या उसको अपने ससुराल में स्वीकार ना करना हो। ये बात भी ठीक है मां साहब, है ना? हाँ, जैसे कहे वही बात है। अरे निखिल जीत रहो बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ससुराल में होना चाहिए। तुम्हारे सासू माँ ने पता नहीं आज क्या क्या पकाया होगा तुम्हारे लिए। क्यों राम बजे, ठीक कह रहा हूँ मैं? हाँ मां साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पकवान तो बहुत बहुत तरह का बनाई है, लेकिन अगर दामाद जी का यहाँ घर में आराम है तो कोई जरूरत नहीं है वैसे वहां जाएगी। क्या बात कर रहे हो राम भजन, तुम पहली बार वो ससुराल आया है, वहीं जाएगा और वहीं रहेगा, ले जाओ इसे। बाबा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा बात करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियां है ना, ये बार बार लौट के नहीं आती। इसलिए तुम शीघ्रता करो और खिसको यहाँ से। तो ठीक है फिर हम जाते हैं दामाद जी को लेके। जाओ बेटा एंजॉय। आइए। बाबूजी तनिक सुन तो लिया होता, निखिल कहाँ कहने जा रहा है? क्या सुनना, बच्चा है वो। बाबूजी निखिल यहाँ अपने पगफेरे की रस्म पूरी करने नहीं आया है, बल्कि वो तो इस शादी को तोड़ने के लिए आया है। निखिल शादी तोड़ने के लिए आया है? अरे जल्दी जल्दी कर ना बेटा, जीजा जी आ जाएंगे तो कहाँ खिलाएगी, जल्दी कर। माई हम ये सब्जी बना लेते हैं काट। ना ना रहने दे, कोनो जरूरत नहीं है, छोड़। धानी लाखी है ना करने के लिए? का है? धानी और लाखी कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारी शादी हो गई ना, तब हम पराया हो गए, अभी घर हमरा नहीं। काहे ऐसे बोल रही है? अब बिटिया लोग ना मायके में आराम करने के लिए आती, काम करने के लिए नहीं, जाके अपने ससुराल में काम करना, छोड़। आराम ही तो कर रहे थे, कुछ काम ही नहीं होता था वहां। सारा दिन अपना कमरा में बैठ के आराम ही करते थे। जय बोले बाबा, बड़ा भाग से ना ऐसा घर परिवार मिलता है। देख अपनी जीजिया को, ससुराल में जाके कोई सी चुप्पा हो गई है। काहे हम वही पुरानी लाजो है, हम नहीं बदलने वाले। अच्छा ये बता हमको जरा कि उतना बड़ा घर था, फोन नहीं था कि तनी फोन करके माई बाबू को हाल चाल दे दे कि कैसी है। का कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग? नहीं नहीं माई, वहां पर ना इतना बड़ा घर, इतनी इतनी भीड़ भाड़, कहा होता था ना बहुत सारे लोग आ जाते थे नई बहू रिया को देखने के लिए, तो हमको ना बखत ही नहीं मिला। अरे माई इतना बड़ा घर है वहाँ पर, तो कार्यक्रम भी तो बड़ा ही होता होगा ना वहाँ पर, बहू भोज हुआ होगा वहाँ पर, अच्छा अच्छा खाना, सुंदर सुंदर कुर्सियाँ, नौकर चाकर, है ना दीदिया? सोची लाजो, बहुत बड़का घर है ना, और सुने हैं कि 7-8 गो कमरा भी है वहाँ पे। माई तुम हमको कुछ काम नहीं करने दे रही, हम ना चावल बीन देते हैं। वो छोटा चावल वाला हम बीनेंगे ना, बता ना पहले वहाँ का हाल चाल सब कैसे है, क्या करते हैं। बोले ना माई
बहुत बड़ा घर है। और तुम्हारे सास ससुर वो कैसे हैं? मानते तो है ना तुमको, बर्ताव ठीक है ना? हम कैसे बता दे सच माई को, कैसे बोल दे सारी बात? नहीं, हमसे नहीं होगा अभी ये सब। बहुत गलत करने जा रहा है निखिल, मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ। रुके बाबूजी, ये वक्त निखिल से बात करने का कोनो फायदा नहीं है। पहली दफा माना था ना वो आपका कहना, देख रहे ना का नतीजा हो रहा है। ये बार निखिल को अपना फैसला खुद ही कर लेने दीजिए। बाबूजी, उसके एक फैसले से कई सारी जिंदगियां जुड़ी हुई है, और आप माने या ना माने, किसी और का फैसला ना कोनो बोझ से कम नहीं होता है। लेकिन लाजो का क्या, उसके भविष्य का क्या होगा? कहीं मैंने लाजो का जीवन सुलझाने की जगह उलझा तो नहीं दिया है? हमने तो पहले ही आपसे कहा था कि वो घर में भैया और बड़का भौजी रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आपने मेरी बात सुनी नहीं। पर बेटा, मुझे भरोसा था निखिल पे, भरोसा था कि उस घर में जाके वो सबको मना लेगा। पर बाबूजी, में निखिल का भी तो कोनो दोष नहीं है ना? निखिल और लाजो बिल्कुल अलग अलग है, उनका रहन सहन खान पान बिल्कुल जुदा है। अफसोस तो ये बात का है कि अब लाजो को भी अपनी सारी जिंदगी ना हमारी तरह ही गांव में बितानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो दादा। निखिल ने भले ही मेरा विश्वास तोड़ा हो, पर ईश्वर ईश्वर कभी मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा, कभी। कहाँ सोचने लगी, बोलना। शुरू शुरू में ना गुस्सा हो गए थे, पर बाद में सब ठीक हो गया। गुस्सा हो गए थे अब फिर? कहा है ना माई, थोड़ा गुस्सा तो होंगे ना, बिना बोले कोनो को ऐसे शादी करके दरवाजे पे आ गए तो गुस्सा तो होंगे। हाँ ठीक है, बाकी तुमसे तो नहीं ना नाराज है? तुमसे तो बोलते बतियाते होंगे, और तुमको बहू के रूप में स्वीकार तो किए हैं ना वो लोग? हाँ हाँ माई, स्वीकार कर लिए। अब हमको ये बताओ, तुमको काली दाल बनाना आती है? हाँ, काहे नहीं आती है, का दामाद बबुआ जी को पसंद है। हाँ, हमरी भी सारी दीदियाँ के ससुर कराओगी ना, वो तीन दिन गाड़ी में जन्म पे ब्याह करना है, पगला गई हो का? चार चार गाड़ी वाले घर में करेंगे। चलो पहले जल्दी जल्दी से खाना, मैं हाथ देता। चल ले आ लखी, ले आ बेटा, जल्दी जल्दी ले आ। ए जी जी, ले आइए ना पुड़िया। हाँ हाँ, चल। शुरू करिए ना बबुआ जी। ए लाजो की माई। हाँ? रुको बबुआ जी, वो हम आपके लिए ये लाए हैं, ये कांटा से खाना खाते होंगे तो हम आपके लिए ये कांटा लाए हैं, और ये चक्कू भी लाए हैं, काट काट के ना खाते हैं। लीजिए खाइए खाइए। आप नहीं खाएंगे हमारे साथ? हम अब जमाई राजा पहले जीम लें तो उसके बाद ही खाना अच्छा लगता है। अकेले ही खाओ फिर। अकेले? हाँ हाँ, अरे अकेले काहे खाएंगे, धानी लाखी है ना। ए लाखी, बैठ जा बैठ जा, जीजी के साथ बैठ के खाना खा। आप बैठो। ए राजू भाई, दीदी जीजी जरा लगाओ, लगन के लगा लगा थाली। हमें तो काटा और चक्कू से खाना है। अरे तुम खा पाओगी? खा लेंगे ना। इनको देख देख के शहर जैसा बनना चाह रही हैं। इलो चलो। इला जो जा पंखा झेलता नहीं प्यार से ले।
कोई ना रोई होगी, कोई सिखाएंगे तो यहाँ से दो। प्रेम से अच्छे से आप खाइए बस, अभी आते बबुआ जी खीर अच्छा नहीं बना है का? नहीं नहीं काकी बहुत अच्छी है। सो अच्छे आइयो दादा खाइए ना, मोर के खाइए काकी बा? ना खाइए ना, मन से खाइए, रखे हैं यहीं पे और बनाए हैं। तब का दमाद जी, खावा खावा ये खाना में तुम्हारे सासू जी का ढेर सारा प्यार जो है। हम तो कहते हैं दमाद हो तो एकदम सरस्वती भौजी के दमाद के जैसन, पूरे गांव का नाक कटने से बचा दिया सहरी बाबू ने, नहीं तो भैया एक गांव में थू थू मच जाती थी।